नमस्कार, यासर डॉट कॉम पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 131B 131B। आज हमारे साथ एक बार फिर कॉमरेड अमरा राम जी, जो कि राष्ट्रीय किसान सभा के अध्यक्ष हैं। साक्षात्कार बताने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यासर डॉट कॉम को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जनता की आवाज आम जनता के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी साधुवाद कि जो आंदोलन है वो स्वतः स्फूर्त और सारे तरह किसान आम आदमी का भी सहयोग मिला आपको, और इसमें कोई भी वैसे बदमाश जितने लूट फ्रॉड बदमाशी होती वो नहीं हुई, और ये इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। ये जो कर्जा माफी भाव, पशुधन की बिक्री, इन तमाम 11 सूत्री मांग पत्र को लेके अखिल भारतीय किसान सभा ने राजस्थान में जो आंदोलन किया, ये 11 मांगे राजस्थान के 5 करोड़ किसान और खेत में काम करने वाले खेत मजदूर, जो गांव का गरीब है जी, उनकी मांगों के लिए था। और जितना अभूतपूर्व सहयोग मिला है, जिस शांतिपूर्वक हुआ है, मैं समझता हूँ 13 दिन का महापड़ाव, सब रिकॉर्ड पहले के, चाहे वो 97 हो, 2005 हो, सब रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया। और जो अभूतपूर्व समर्थन हमने अखिल भारतीय किसान सभा के माध्यम से यह आंदोलन को शुरू किया था लोगों के बीच में जाके, किसान सभा के बाद ये सब किसानों का बना, सब किसानों के बाद व्यापारी, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, महिला, मतलब समाज का हर वर्ग इन मांगों के लिए समर्थन में आया। और आजादी के बाद आज तक किसी भी राज्य सरकार को संघर्ष के माध्यम से झुकाकर उस किसान का कर्जा माफी करने के लिए बाध्य किया है, जिस किसान विरोधी नीतियों के कारण इस देश का पिछले 17 साल में 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वो अन्नदाता देश की आजादी के 70 साल बाद आज भी अगर आत्महत्या करता है, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा किसान विरोधी देश और प्रदेश की सरकार की नीतियां नहीं होती। जो गारंटी है वो MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो कम से कम कीमत सरकार तय करती है, जिसकी गारंटी होती है, वो नहीं खरीदती। मैं समझता हूं एक तो सबसे बड़ा अभूतपूर्व सहयोग लोगों का मिला, और सबसे उससे भी ज्यादा है कि 13 दिन की तपस्या, जो खुले आसमान के नीचे बैठे थे, सड़कों पे बैठे थे, और जिस तरह से महिलाओं ने मैदान में आई है, मैं समझता हूं इस देश में अभूतपूर्व है जिस संयम के साथ, जागृति के साथ, क्योंकि महिलाओं पे और ज्यादा हमला करने का, जो दुधारू पशु है जिसको तबाह करने का निर्णय मोदी ने 23 जून को लिया है पशु क्रूरता के नाम से, इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त आंदोलन, और देश की आजादी के 70 साल में पहली बार, पहले 1990 में और 2008 में कर्जा माफ हुआ केंद्र सरकार का हुआ है, वो संघर्षों के कारण नहीं हुआ, चुनावी वायदे के अनुसार हुआ, चुनावी लाभ लेने के लिए हुआ, लेकिन ये जो कर्जा माफी की सरकार को बाध्य किया है, ये किसानों के संघर्ष से हुआ है और सरकार की विफलताओं के लिए हुआ है। इसलिए मैं तमाम लोगों को इस, सबसे पहले तो जिन्होंने इस आंदोलन में तन, मन और धन से सहयोग किया, उनको धन्यवाद देता हूं। और 3 दिन के रास्ता रोको में जिनका भी कोई किसी तरह की परेशानी हुई है, तो मैं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से उनसे माफी चाहता हूं, उसको और बेहतर, क्योंकि बेहतर हमने कोशिश की है, कोई बीमार नहीं हो, जरूरी काम हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से परेशानी हुई है, लेकिन परेशानी उससे कम है कि 4 लाख अन्नदाताओं ने इस नीति और कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली, और मोदी सरकार आने के बाद इसकी प्रतिशत और बढ़ी है। तो मैं समझता हूं जिन 4 लाख परिवारों में उनका कमाने वाला चला गया, उन परिवारों की तकलीफ की बजाय इस 3 दिन के रास्ता रोको में किसी को तकलीफ हुई है, तो उसके कंपैरिजन में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं। छोटा किसान है, आप बता रहे 125 बीघा वाले भी आत्महत्या कर रहे हैं। अभी चूरू में, बिसाऊ के पास झुंझुनू में 125 बीघा जमीन का मालिक है, उसने भी आत्महत्या की है, क्योंकि जो फसल खड़ी थी उसकी आस थी कि इससे मैं बच्ची की शादी करूंगा, मेरा कर्जा है वो चुकाऊंगा, और जब बरसात नहीं आई तो पूरा का पूरी फसल उसकी नष्ट हुई, तो 125 वाला आत्महत्या कर गया। तो आप अंदाजा कीजिए 10 बीघा वाले का क्या होगा। तो ये इससे ज्यादा जिनाइन, इससे ज्यादा आंदोलन नहीं हो सकता, इसलिए सरकार ने भी इसको माना है। लेकिन अफसोस है मुझे, सरकार मानने के बाद अब तमाम किसानों पे, किसानों की अगुवाई करने वाले नेताओं पे मुकदमा दर्ज करके वही हालत कर रही है।
किसियानी बिल्ली खंबानोचे। खंबानोचे। तो ये 50,000 की जो है उसके बारे में थोड़ी गफलत है लोगों में। 50,000 सबका माफ होगा कि जो 1 लाख में से 50,000 हो गया, क्रेडिट कार्ड वाला सहकार लोन कौन सा माफ होगा? भाई इस बात की सहमति बनी है कि 50,000 का कर्जा, चाहे वो खाद बीज के लिया है, चाहे केसीसी से लिया है, चाहे कोऑपरेटिव से लिया है, चाहे वो किसी भी कमर्शियल बैंक से, दो जगह से लिया है, दो जगह से लिया है तो भी एक जगह होगा, सब किसान का होगा। हमारा ये है कि इनके खरीद नहीं करने से, प्याज की रुड़ाई से जो खरीद नहीं की, इससे जो नुकसान हुआ सरकार पूरी भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम 50,000 रुपया हर किसान, चाहे वो छोटा है बड़ा है, जिसने कर्जा टाइम पे चुकाया है, चाहे वो ओवर ड्यू है, तमाम किसानों को इस बात की सहमति और घोषणा हुई है कि हर किसान का कर्जा माफ होगा, होगा 50,000, चाहे उसने लाख ले रखा है, चाहे 50,000 ले रखा है, मान लो 30,000 ले रखा है तो 30,000 ही होगा, ले ही 30,000 रखा है तो 30, जिसने ले ही नहीं रखा तो उसका कर्जा माफ नहीं होगा। तो बाकी जितना भी ज्यादा 50,000 से ज्यादा कर्जा है वो किसान स्वयं उसको भुगतेगा। और इसमें किस प्रक्रिया अपनाई जाए, जिस तरह से मध्य आपका यूपी में, महाराष्ट्र में किसानों के साथ कर्जा मुक्ति के नाम से जो मजाक किया जा रहा है, सरकार ने भी माना है और हमने भी कहा है कि इस तरह की मजाक क्यों नहीं किया जाता, 2 रुपया 3 रुपया मुआवजा। अधिकारी नहीं है उसके लिए, सरकार जिम्मेदार है। कोई भी नीति तय सरकार करती है, अधिकारी तो लागू करते हैं। जब सरकार की मंशा ही यही है 3 रुपये 4 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, इसलिए सरकार ने भी माना है। अब सरकार आगे क्या करेगी वो तो हम जानते हैं, नहीं करेगी तो हम ये भी जानते हैं कि एक दफे मांगे मनवाने के लिए लड़ना पड़ता है और दूसरी दफे उस मांग को लागू करवाने के लिए लड़ना पड़ता है, इसलिए हम इससे बोदड़ नहीं है। और एक कर्जा, और दूसरा जो इसकी कर्जा कोई स्थायी समाधान नहीं है, स्थायी समाधान है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, किसान की पैदावार की लागत का 1.5 गुना कीमत। सरकार ने हाँ की है कि हम राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को बिल्कुल प्रस्ताव भेजेंगे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार ये लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। एक तरफ आप देखेंगे कि 1% अधिकारी और कर्मचारी हैं, इस देश की 70 साल की आजादी में हर 10 साल के बाद में वेतन आयोग लागू हो जाता है, 7वां वेतन आयोग लागू हो रहा है, और इस देश की 70% आबादी जो खेती पे निर्भर है, किसान और खेत मजदूर है, उनके लिए एक आयोग बना और उसकी रिपोर्ट नहीं लागू हो रही है, और ये बहाना किया जा रहा है कि उसमें बहुत बड़ी लागत आती है। मैं समझता हूँ लागत नहीं आती, इस सरकार में बैठे हुए लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल करने के लिए इसको लागू नहीं करना चाहते, क्योंकि किसान से मूंग 45 रुपये खरीदता है और वही कंपनी उस दाल को 120 रुपये किलो में बेचता है आम उपभोक्ता को। तो ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर केंद्र सरकार लागू करती है तो न केवल किसान के लिए फायदेमंद है, बल्कि जो खरीद के खाने वाले के भी, जो मध्यस्थ कंपनियां लूट रही है ना, निश्चित रूप से प्याज है किसान ने बेचा 2 और 3 रुपये किलो, और आम खरीद के खाने वाले को मिल रहा है 40 रुपये, मतलब जो 4 रुपये में किसान जिसने 6 महीना पैदा किया उसको मिला 4 रुपया, और खरीद के खा रहा है उसको देना पड़ा 40 रुपया, मतलब 36 रुपया एक किलो में वो बड़े बड़े मध्यस्थ कंपनियां जो इस सरकार के यार हैं। इसलिए इसको लागू दोनों के विपरीत, पैदा करने वाले किसान के और खरीद के खाने वाले दोनों के खिलाफ और उन कंपनियों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ वो रिकमेंड किया है और उसके लिए हम आगे पूरे देश में संघर्ष करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा था, जो इसी भारतीय जनता पार्टी ने 95 में बछड़े को बिक्री पे जो रोक लगाई थी, 3 साल से छोटे बछड़े को नहीं बेच सकते, जिससे बछड़ा मारा गया, गाय मारी गई और गाय और बछड़े को पालने वाला किसान मारा गया। तय रूप से संघर्ष के माध्यम से उस 3 साल की पाबंदी को 1 साल घटा करके 2 साल किया है, लेकिन उस 95 के बाद 2 दफे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, हमने बार बार उन सरकारों में, राजस्थान की विधानसभा में भी आवाज उठाई, किसानों में भी आवाज उठाई, लेकिन कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान गाय और बछड़े को मारने का कानून बनाया, कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार ने उस कानून को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस संघर्ष के उन तमाम किसानों को कि उसी भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष के मैदान में झुकाकर उस 3 साल की पाबंदी को 1 साल घटा के 2 साल करना पड़ा है, और हमने ये भी एहसास कराया कि गाय के नाम से शेष लगा करके करोड़ों रुपया राजस्थान की 7 करोड़ जनता से आपने वसूल कर लिया, और एक गाय को आपने एक पूड़ी रिजगा की नहीं डाली, तो उन्होंने कहा कि हम गौ अभ्यारण भी बनाएंगे, गौशालाओं को भी स्ट्रेंथ करेंगे। और दूसरा जो
23 जून को नरेंद्र मोदी सरकार ने पशु क्रूरता के नाम से दुधारू और बिकने वाले पशुओं पे तबाह करने का तो काम किया है, जिसको अखिल भारतीय किसान सभा ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया है। उसमें राज्य सरकार ने हमें इंश्योर किया कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को हम प्रस्ताव भेजेंगे कि किसी भी रूप में पशु की बिक्री पे पाबंदी नहीं लगाई जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राजस्थान वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा पशु है। जब हर दो दो साल लगातार अकाल पड़ता है तो केवल किसान उस पशु बिक्री से काम चलता था, और किसान का तो पशुधन एटीएम है, बैंक की तरह एटीएम है, जिस तरह से कोई भी बैंक धारी एटीएम लगाता है, एटीएम में अपना पैन कार्ड लगाता है और पैसे निकाल लेता है, तो जिस दिन किसान को जरूरत होती है अपना पशु व्यापारी को बेचता है और नगद पैसा ले लेता है। तो इसको तबाह, मतलब चौतरफा नरेंद्र मोदी ऐसी प्रधानमंत्री है जो इस देश के सबसे किसान विरोधी दुश्मन के रूप में हुआ है। वो फसल से मारना चाहते हैं जी, लागत से मारना चाहते हैं, पशुधन की बिक्री पे पाबंदी लगा के मारना चाहते हैं, और अब जो जीएसटी लगाई है जिसमें 0% टैक्स था उनको 14% टैक्स करने का काम किया है। तो एक किसान अगर अगर ट्यूबवेल लगाएगा राजस्थान में तो उसको जीएसटी के कारण, जिसमें टैक्स नहीं था, उसको 40,000 तो सीकर झुंझुनू में देना पड़ेगा। अगर बीकानेर और चूरू के बिदाश्रम में खरीदेगा तो उसको 80,000 रुपया जीएसटी का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इससे ज्यादा किसान की दुश्मन सरकार नहीं हो सकती। इसलिए हर तरफ से किसान को तबाह करने का दवाई छिड़कने वाली मशीन पे भी लगा दिया, दवाई छिड़कने वाली मशीन पे लगा दिया। और आप अंदाजा करेंगे कि यूरिया, हाँ बताएं, अभी जितने भी खाद बीज बेचने वाली रजिस्टर्ड जो फर्में हैं उनको पोस मशीन दे दी गई है, जिस तरह से राशन डीलर को दी गई है, उसमें वो अपना आधार कार्ड लाएगा और वो मिलेगा जब उसको यूरिया मिलेगा, और एक दिन में एक यूरिया का कट्टा ही मिलेगा। अगर आपको बड़ा किसान है और उसको 10 कट्टे यूरिया के चाहिए तो उनको 10 दिन लगातार आना पड़ेगा, और उससे भी खतरनाक कि खुला यूरिया नहीं देंगे। मतलब किसी को अगर 20 किलो भी यूरिया चाहिए वो पैसा देगा, लेकिन दुकानदार उसको खुला 20 किलो यूरिया नहीं देगा। मतलब इससे ज्यादा आपराधिक निर्णय, सामंतवादी सोच है ना, मतलब अपराधी, जिसको किसान को तबाह करना है। मतलब 10 कट्टे के लिए 10 डब्बे अगर वो बाजार जाएगा खाद लेके आएगा तो उससे ज्यादा तो उसको नुकसान हो जाएगा। मतलब किस तरह से किसान मर सकता है, किसान की जमीन किस तरह से कंपनियों के लिए आ सकती है, और कंपनियों के लिए किस तरह से सस्ता मजदूर हो सकता है, ये तमाम निर्णय। और मैं धन्यवाद दूंगा, ये जब नीतियां लागू की जा रही थी 90 में, नरसिंहा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय, केवल मात्र इस देश में किसानों का संगठन अखिल भारतीय किसान सभा था, जिन्होंने सरकार के सामने रखा था कि नीतियों से किसान बर्बाद होगा, खेती तबाह होगी और देश तबाह होगा, केवल कंपनियां माला माल होगी, लेकिन बाकी सब संगठन इसका समर्थन कर रहे थे। मुझे खुशी है आज वो तमाम संगठन 2017 में मंदसौर की घटना के बाद उनके खिलाफ, उन नीतियों के खिलाफ खड़े हुए हैं, और ये संघर्ष भी इस बात का सबूत है कि उन नीतियों के खिलाफ संघर्ष है। ये केवल कर्जा माफी के लिए नहीं है, वो नीतियां, किसान विरोधी नीतियां जिनसे खेती और किसान तबाह हो रहा है, 4 लाख किसान आत्महत्या की है, उन नीतियों के खिलाफ है। जब तक सरकार वो नीति नहीं बदलेगी, इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, और किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं होगा। अंतिम सवाल है, तो अमरा राम जी तो इस बार राजनीति में भी नहीं, मतलब सक्रिय में नहीं थे, लेकिन बाकी जो नेता हमारे जिन्हें हमें चयनित किया, सिलेक्शन किया, इलेक्शन किया, वो नेता किधर चले गए? 8 तो हमारे मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए नेता तो किसान को मारने में लगे हुए हैं, लेकिन जनतंत्र में जो अपोजिशन पार्टी है उसका जो धर्म होता है कि सरकार अपने किए हुए वायदे करने की बजाय जनता पे हमला करती है, तो मुख्य अपोजिशन पार्टी का धर्म होता है कि वो तमाम लोगों को साथ लेकर के उस संसदीय प्रणाली में, संसद में, विधानसभा में इसका प्रोटेस्ट करे, और अगर सरकार नहीं मानती है तो जनता के बीच में जाकर के जन आंदोलन करके भी सरकार को झुकाया जा सकता है, जैसे अखिल भारतीय किसान सभा ने झुकाया। लेकिन मुझे अफसोस है कि देश में और प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल जिसने 50 साल तक इस देश में राज किया है, वो एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और किसान ने अपने एकता, संयम, अनुशासन से लड़कर राजस्थान की सरकार को झुकाया है, उस पर वो तरह तरह के सवाल,
जिनका दायित्व था, जिनका कर्तव्य था, वो पूरा नहीं किया, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। मुझे तो धन्यवाद दूंगा कि वो राजपा की किरोड़ी मीणा और आए साथ आए। हनुमान बेनीवाल आकर के समर्थन किया, लेकिन सीकर में बैठे हुए लोगों और राजस्थान में एक शब्द भी उन किसानों के पक्ष में नहीं बोले। और समझौता होने के बाद वो इस बात को तरह तरह से ले रहे हैं कि ये कर्जा माफ नहीं होगा, ये बुला दिया गया। काम नहीं था। मैं नहीं समझता, अमरा राम जब विधायक था, जब भी मैंने 20 साल तक इस जनता के लिए विधानसभा में लड़ाई लड़ी है, विधानसभा में सरकार नहीं मानी तो जनता को साथ लेकर, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, उनको झुकाने का काम किया है। लेकिन आज इस प्रदेश और देश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई है, फूल छाप कांग्रेस हो गई है। वो जो हमला करती है उसको आगे बढ़ाती है, बचने की पाबंदी बीजेपी लगाती है और कांग्रेस 10 साल तक आगे बढ़ाती है। किसान राजस्थान का सड़कों पे आता है, 13 दिन तक पड़ाव देता है और कांग्रेस चुप रहती है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो फूल छाप कांग्रेस है। एक छोटा सा सवाल है, पेंशन, जो किसानों की पेंशन का मामला है, उसका कुछ? पेंशन का हमारा सरकार के सामने ये था, जब देश के नेताओं को पेंशन हो सकती है, देश के अधिकारी और कर्मचारियों को पेंशन हो सकती है, तो किसान ने क्या गुनाह किया? हमारी मांग थी कि 5,000 हर किसान और खेत मजदूर को, जो गांव का गरीब मजदूर खेत में पसीना बहा करके अपना परिवार चलाता है, उन सबको 5,000 की पेंशन मिलनी चाहिए। राजस्थान की सरकार ने कहा कि हम 5,000 तो नहीं, लेकिन 2,000 करने में सहमति व्यक्त की है, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम 5,000 नहीं दे सकते, लेकिन 2,000 पे सरकार विचार करके इसको करेगी। तो मैं समझता हूँ एक स्टेप आगे बढ़े, क्योंकि 500 रुपए की जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार हमने संघर्ष किया तो 500 किया, उसमें भी शर्त लगा दी कि किसी का बच्चा अगर हेल्पर भी लगा हुआ है बिजली बोर्ड में, वाटर वर्क्स में हेल्पर लगा हुआ, तो उसकी पेंशन नहीं होती। हमने कहा किसी का बाप अगर कलेक्टर है और उसका बेटा एसडीएम है तो क्या उसको पेंशन नहीं मिलती है? जी, हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलती? किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी भी विधायक, सांसद का बेटा नौकरी करता है, लेकिन उसकी पेंशन हो सकती है, लेकिन किसान का परिवार का कोई सदस्य चपड़ासी लग गया तो उसकी नहीं होगी। तो हमने कहा एक तो शर्त हटाइए, और जितना सरकार कर सकती है, रेस्पेक्टेबल हमारी तो मांग है 5,000, लेकिन सरकार ने 2,000 पे सहमति दी है। मैं समझता हूँ न केवल ये, बल्कि ये भाजपा की सरकार आने के बाद पिछले 2 साल से एससी, एसटी, ओबीसी और जो मेरिट में जो लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, उनको 2 साल पूरे हो गए और तीसरे सत्र की 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। सरकार ने एक नया पैसा स्कॉलरशिप का नहीं दिया। हमारे इस आंदोलन के कारण 1,000 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप का पूरे राजस्थान के उन विद्यार्थियों के खाते में 1 महीने के अंदर अंदर उनके 1,000 करोड़ रुपए उनके पहुंच जाएंगे, क्योंकि रोहित वेमुला की आत्महत्या इसलिए करनी पड़ी कि उसकी स्कॉलरशिप जो 27,000 रुपए महीने की थी उसको 1 साल तक नहीं दिया, इसलिए रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी। तो हमारी मांग थी कि इस राजस्थान के उस होनहार गरीब के बच्चे को, जिसकी स्कॉलरशिप देने के लिए सरकार ने फार्म भराए हैं, लेकिन 2 साल तक, जबकि राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों को, अधिकारियों को और मंत्री और विधायकों को महीने वाले दिन तनख्वाह मिल सकती है, भूतपूर्व है उनको रिटायर है, उनको पेंशन महीने वाले दिन मिल सकती है, तो उस विद्यार्थी ने क्या गुनाह किया है जिसने फार्म भरवाया आपने और 2 साल तक एक नया पैसा भी आपने स्कॉलरशिप का नहीं दिया। तो 1,000 करोड़ रुपया उनके जमा होगा। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक जीत है, राजस्थान की 70 साल की आजादी के बाद ऐतिहासिक इतिहास बनाने वाला फैसला भी है, आंदोलन भी है, अनुशासन भी है। इसलिए मैं पुनः इस आंदोलन में जिसने भी तन, मन, धन और भावना से सहयोग किया उनको मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और इस आंदोलन में किसी को तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से माफी चाहता हूं। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा, पूरी 11 सूत्री मांगों पे एक एक पे उसका, चाहे वो नहर का था, चाहे वो किसानों के फसल बीमा का क्लेम रुका हुआ है, हर तरह की चर्चा हमारी उनके साथ हुई है। इसलिए मैं पुनः तमाम इस आंदोलन में तन से, मन से, धन से और भावना से
जिन्होंने सहयोग किया है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और इस आंदोलन के दौरान किसी भी भाई बहन को अगर कोई तकलीफ हुई है और उनसे मैं माफी चाहता हूं। और जिस तरह से महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो उन तो तमाम माँ अद्भुत बहनों को मैं मातृशक्ति को भी धन्यवाद देता हूं। और ये राजस्थान का ऐतिहासिक आज़ादी के 70 साल में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है, जी इतिहास इसको याद रखेगा, ये इतिहास में दर्ज होगा। और मैं समझता हूं ये तो अभी शुरुआत है, आगे और संघर्ष होगा। जो भाव की गारंटी है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने जी की है, निश्चित रूप से इसके आने वाले समय में और विस्तार पूरे देश में, जिस तरह से राजस्थान में हुआ है, 29 राज्यों में, हमारी अखिल भारतीय किसान सभा का आने वाली 3 से 6 अक्टूबर हिसार में राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, आगे की पूरी रणनीति हम तय की जाएगी। हिसार में बैठ करके 1,000 किसानों के प्रतिनिधि पूरे देश से आएंगे और उस अखिल भारतीय सम्मेलन में हिसार में बैठकर आगे की रणनीति और संघर्ष की नीति बनाएंगे। और मैं समझता हूँ इस देश की 70% आबादी के लिए जो संघर्ष करेंगे वो देश के लिए संघर्ष होगा। इसके लिए मैं पुनः realsir.com को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी इस संघर्ष की जो उपलब्धियां हैं, जी जो कामयाबियां हैं, वो राजस्थान और देश की आम जनता तक पहुंचाएंगे। एक छोटे उन से बात तमाम जरूर कहना। पत्रकारों को भी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि किसान की आवाज को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम एक किया। संदेश सरकार के नाम, अगर वादा खिलाफी करती है सरकार तो वादा खिलाफी करती है तो हमने 2005 में भी देखा है, अगर इस सरकारों का चरित्र है कि जी एक दफे मांग मनवाने के लिए लड़ना पड़ता है और दूसरी लागू दफे उसको लागू करवाने करवाने के के, लिए इसलिए सरकार अभी कर रही है जी समझौता करने। सरकार ने मान लिया कि ये वाजिब था, ये संघर्ष वाजिब था, हमारी गलती रही कि हमने वार्ता टाइम पे नहीं की, लेकिन वार्ता करके मानने के बाद पिछला दरवाजा राजस्थान के पिछले दरवाजे से तमाम किसान नेता और किसानों पर मुकदमा दर्ज कर रही है। मैं कहना चाहता हूं सरकार बाज आए, वरना इसका जवाब भी ईंट का जवाब पत्थर से देना राजस्थान का अंदाता जानता है। जी इसलिए सरकार के चरित्र के बारे में हमें कोई गलतफहमी नहीं है, जी सरकार उन धन्ना सेठों की है, सरकार उन भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट अफसरों की है जिस तरह का भ्रष्टाचार राजस्थान में फैला है। इसलिए उस सरकार के चरित्र के बारे में न किसान सभा को कोई वो है और न किसान को है, सरकार का चरित्र अच्छी तरह से भले किसान और भांति किसान पता सभा जानता है और उसको ठीक करना जानता है, ठीक किया है। और अगर 3-5 करेगी तो फिर भी हम उसको ठीक करने का काम जी करेंगे। ठीक है। अमरा राम जी ने बगैर कोई सवाल पूछे सारे सवालों का जवाब दिया है और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आंदोलन सफल रहा, लोगों की सहानुभूति रही, सहभागिता रही, उम्मीद करता हूँ सरकार आसानी से बातों को समझेगी और जो योजनाएं बताई हैं उन्होंने, जो मांगे रखी उनको लागू करेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी और सरकार आसानी से इनकी मांग मान लेगी और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। जो जो बातें इन्होंने रखी है किसान सरकार अब को भी नहीं चार्ज मानेगी करेगी। तो इससे 10 गुना लोग होंगे, राजगीर से ठीक है, निकाल दो। धन्यवाद है। धन्यवाद।